परायण। कृपा तुम्हारी पर तुम जब जब आए
की तुम लाज बचाए। रहे समझाए राजा को फिर दिया है क्या, ए लक्ष्मीपति तुम्हें प्रणाम। धारा को बचाए। प्रहलाद का मान बढ़ाए पाए। रूप
कन्हैया नंद बाबा यशोदा मैया खानो सवारी
सारे जग के पालनहारी, सब देवों में श्रेष्ठ कहते, नारायण भी यह कहलाते। चक्र सुदर्शन हाथ में सोहे, रूप है ऐसा मन को मोहे। जब कृपा विष्णु की होती, कंकर भी बन जाते मोती। धरती पर जब जब यह आते, पाप और पापी को है मिटाते। गीता हो या हो रामायण, दोनों में बसते नारायण। विष्णु जी का गुण जो गाता, कभी ना उसका मन घबराता। जब जब इस धरती पर बढ़ा पाप का भार, तब तब श्री विष्णु जी लिए आए हैं अवतार। भक्तों अब मेरी जुबानी, इस धरती से पाप मिटाए। जब वह मत्स्य रूप में आए, एक समय की बात है न्यारी, राक्षस था एक अत्याचारी। हाय ग्रीव नाम का था वो दानव, डरते उससे देवता मानव। जहाँ भी होता हवन व कीर्तन, कर देता था नष्ट वो फौरन। एक दिन उसने मन में ठाना, धरती से है ज्ञान मिटाना। सारे वेद पुराण चुराया, ले जाकर धरती में छुपाया। जब ना रहेगा वेद पुराण, धरती से तब मिटेगा ज्ञान। दानव सब वेदों को चुरा कर मन में था खुशहाल, धरती पर सब ऋषि मुनि होने लगे बेहाल। एक थे राजा, दिल के बड़े ही नेक थे राजा। सत्यव्रत था उनका नाम, पूजा निस दिन उनका काम। रोज वो जाते नदी नहाने, सूर्य देव को अर्घ चढ़ाने। निस दिन नियम से करते पूजा, और न उनका काम था दूजा। भक्ति भजन में मन वो लगाते, हरदम हरि का नाम बुलाते। साधु संत की करते सेवा, जपते हरदम विष्णु देवा। गए वह एक दिन जल को चढ़ाने, नदी में जब वह लगे नहाने। राजा ने तब डुबकी लगाया, नदी में अपना हाथ डुबाया। उसी समय एक छोटी मछली लगी राजा के हाथ। मछली बोली, हे राजन मुझे ले चलो अपने साथ। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। राजा उस मछली को उठाए, अपने कमंडल में भर लाए। मछली को रख दिया किनारे, सो गए राजा उठे सकारे। उठकर जब मछली को देखा, उसका आकार चार गुना था। राजा ने
तब विचार बनाया, मछली तालाब में डलवाया। बीती रात सुबह हुई न्यारी, मछली हुई है तालाब से भारी। राजा मन ही मन चकराए, मछली दरिया में डलवाए। नदी में भी वह नहीं समाए, मछली कई गुना बढ़ आई। समय बहुत ही अल्प बचा था, अब सागर ही विकल्प बचा था। राजा उस मछली को अब ले गए सागर तीर। मछली सागर में गई तब मन में आया धीर। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। मछली का आकार हुआ मोटा, सागर भी पड़ गया था छोटा। राजा अपना शीश झुकाकर हो गए खड़े, वो हाथ जोड़कर। मछली से अब बोले राजा, बड़े ही मन के बोले राजा। कौन हो तुम जल्दी बतलाओ, अपना असली रूप दिखाओ। राजा थे मन में घबराए, विष्णु जी तब सामने आए। विष्णु जी को पाकर सामने, राजा थर थर लगे कांपने। पाके प्रभु आपका दर्शन, धन्य हो गया मेरा जीवन। हे भगवान कृपा बरसाओ, क्या आज्ञा है वो बतलाओ। विष्णु जी बोले राजा से, सुन लो ध्यान लगाए। हयग्रीव नामक राक्षस ने लिए है वेद चुराए। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। वेद पुराणों को है बचाना, धरती से है पाप मिटाना। हय ग्रीव का करने संघार, लिया है हमने यह अवतार। मत्स्य रूप है हमने धारा, यह प्रथम अवतार हमारा। बचेगा ना जब वेद पुराण, धरती पर ना रहेगा ज्ञान। दानव दल को साफ करूंगा, अपना उनको माफ करूंगा। उसे मिटाना बहुत जरूरी, करूंगा जल्दी प्रण्य पूरी। विष्णु जी राजा को समझाए, सुन लो क्या क्या और बताए। सुन लो राजन बात हमारी, आने वाली तूफान है भारी। विष्णु जी बोले हे राजन, आज से लो ये गिन। धरती पर प्रलय आएगी ठीक सातवें दिन। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। चारों तरफ जल ही जल होगा, धरती गगन में हलचल होगा। ना कोई घर ना गांव बचेगा, ना ही धूप ना छांव बचेगा। हे राजन तुम ना घबराना, जैसे कहूँगा वो करते जाना। आसमान से बिजली गिरेगी, हर पापी का नाश करेगी। आपको तब एक नौका मिलेगी, व
वही आपकी रक्षा करेगी। इस नाव में बैठ तुम जाना, मन में ना संकोच लाना, परले में हर चीज बहेगा, नाव में रहेगा वही बचेगा। हे राजन ये कहना हमारा, भूल गए तो जाओगे मारा। नाव में जाकर बैठ जाना तुम ऋषियों के साथ, अनाज और औषधि सारी लेकर रखना साथ। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। राजा को देकर इतना ज्ञान, विष्णु जी हुए अंतर ध्यान। राजा घर को लौट के आए, तब ऋषियों को पास बुलाए, कि इकट्ठा औषधि सारी करके बैठे पूरी तैयारी। राजा पहुँचे सागर तीरे, बीत गए दिन धीरे धीरे। अब वह सातवां दिन था आया, विष्णु जी ने जो था बताया। हाहाकार मचा धरती पर, राजा थे घबराए देख कर। बढ़ने लगी सागर की धारा, लगा डूबने जग ये सारा, चारों तरफ पानी ही पानी, विष्णु जी की सच हुई वाणी। गांव शहर सब डूब गए थे, डूबा सारा राज, धरती पर जल ही जल फैला, आ गई प्रलय आज। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। राजा भी लगे डूबने भाई, तभी वहाँ एक नौका आई। राजा उसी नाव में चढ़े थे, झट से उनके पांव बढ़े थे। सारी औषधि हाथ में लेकर, ऋषियों को भी साथ में लेकर, धरती पर तूफान था आया, अंधकार हर ओर था छाया। तूफानों के बीच में आई, एक रोशनी पड़ी दिखाई, प्रकट हुए विष्णु भगवान, शांत हो गया था तूफान। होने लगा उनका जयकार, मत्स्य का बोली ये अवतार, मछली रूप में विष्णु आए, राजा ने तब शीश झुकाए। वैसे तो विष्णु जी लिए कई अवतार, ये उनका प्रथम अवतार, जान रहा संसार। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान। अब विष्णु जी ने ललकारा, हाय ग्रीव दानव को है मारा, लेकर सारे वेद पुराण, चले गए विष्णु भगवान। विष्णु जी वेदों को लेकर, ब्रह्मलोक में पहुँचे जाकर, वेद रूप में अमृत धारा, ब्रह्मा जी को दे दिए सारा। सभी वेद जब वापस आए, ब्रह्मा जी मन में मुस्काए, आ गए वापस वेद पुराण, धरती पर फिर फैला ज्ञान, महिमा गाती ज्योति।
कथा सुनो संतोष पूरा, छोड़ ना देना इसे अधूरा। बढ़ने लगा है कलयुग में फिर से पाप का भार, लेने वाले हैं विष्णु जी फिर अपना अवतार। जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु भगवान, जय विष्णु भगवान, बोलो जय विष्णु जनों। आज हम आपको श्री नारायण भगवान की संगीतमय पावन कथा का रसपान कराने जा रहे हैं, जिन्हें आप सभी भक्त श्री विष्णु, नारायण, कमल नयन, लक्ष्मीपति, चक्रपाणि, श्री हरि आदि नामों से भी जानते हैं। ऋषि मुनि तथा शिव जी सदा इन्हीं ही ध्याते हैं, जो सदा क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान रहते हैं। नमन है कोटिश आपको हे विष्णु भगवान, प्रेम तनय का हे हरि कर दो अब कल्याण। आपकी महिमा ऋषि मुनि गाते वेद पुराण, आपकी कृपा दृष्टि से हो जाता कल्याण। जय विष्णु भगवान, आपको चतुर्भुज रूप धारण किए, हाथ में सुदर्शन चक्र, शंख गदा लिए, मन को मोहने वाला रूप जिसे देख कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, मैं ऐसे श्री नारायण की महिमा के साथ उनके 10 अवतारों का भी वर्णन कथा के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनने हैं इस पावन कथा को। प्रथम रूप है आपका जो मछली कहला, सत्यव्रत राजा हुए जिनको भेद बताए, सागर से थे आपने चारों वेद बचा, पाप मिटा कर आपने धर्म दिया बढ़ाए। जय विष्णु भगवान, जनों श्री हरि का दूसरा अवतार कूर्म अथवा कछुए का है। इस रूप में श्री हरि ने सागर मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके कार्य को सहज बनाया। यह अवतार देख सभी ने प्रभु की जय जयकार की, नमन किया। फिर आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। तीज रूप में श्री हरि लिया बरावतार, दैत्यराज हिरण्याक्ष का कर दिया उधार, सागर डूबी पृथ्वी लाए वराह जी निकाल, सप्तर्षि गंधर्व फिर हो गए खुशहाल। जय विष्णु भगवान, भगवान।
अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए क्षीर सागर से धरती पर दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने जब अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार किए तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु को याद किया और श्री हरि नरसिंह का रूप रखकर आए और हिरण्यकश्यप का संहार किया, अपने भक्त प्रहलाद का मान रखा। पांचवा रूप आपका जो वामन कहला, राजा बलि से तीन पग धरा का दान है कराए, चूर किया अभिमान है दिया है फिर वरदान, बड़े दयालु आप हो हे विष्णु भगवान। जय विष्णु भगवान करना अब कल्याण, जय विष्णु भगवान करना अब कल्याण। प्रिय भक्तों, श्री हरि का त्रेता युग में परशुराम छठवां अवतार कहलाया, जिन्होंने शिव का तप करके एक फरसा प्राप्त किया। श्री परशुराम जी ने पापी अधर्मी क्षत्रियों का धरा से कई बार वंश नष्ट किया तथा धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनके पिता का नाम जमदग्नि था, ये पितृ भक्त कहलाए। भक्तों, श्री हरि फिर सातवां अवध अवतार, दशरथ नंदन आपको कहता है संसार, मर्यादा पुरुषोत्तम कहते वेद पुराण, वनवासी कोई कहता है कोई राजा। भक्तजनों, श्री हरि का ये सातवां रूप श्री राम प्रभु का है, जिन्होंने लंकापति का संहार किया, संसार को अधर्म पर धर्म की जीत दिलाकर संदेश दिया तथा अयोध्या राज्य पर कई वर्षों तक राज्य भी किया। ये अवतार बहुत उच्च कोटि का बतलाया गया। भक्तों, बोलिए राजा रामचंद्र की। आठवां रूप है आपका जो नंदलाल श्याम, नटकटता अंग अंग भरे चोरी करना काम, बचपन में किया आपने लीला प्रभु ने, मारा मामा कंस था रही है दुनिया। श्री हरि ने आठवें रूप में गोकुल वृंदावन में नंदगांव में अनेक बाल लीलाओं को किया, महारास रचाई तथा महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया जो कलयुग में मनुष्य के लिए मोक्ष का द्वार है। आपके सभी अवतारों में आपका यह अवतार अति फलदायी है और प्रेम रस से भरा है। भक्तों, तो आइए सुनते हैं आगे के और रूप। नौवां रूप है बुद्ध का सुनो लगा कर ध्यान, मोह माया सब त्याग कर किया है जग कल्याण, बौद्ध धर्म का आपने किया जगत
भाषा वेद पुराण नित कहे आपके सद उपकार। जय विष्णु भगवान कर नाम कल्याण। जय विष्णु भगवान कर नाम कल्याण। प्रिय भक्तों, श्री नारायण का दसवां अवतार जो कलयुग के अंत समय में होगा, जब पाप चरम सीमा पर होगा, तब श्री हरि कल के रूप में 64 कलाओं से सुशोभित एक ब्राह्मण के घर में अवतरित होकर पापियों का नाश करेंगे और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना होगी और सतयुग की शुरुआत होगी। ऐसे प्रभु जो भक्तों का कल्याण करते हैं धरती पर अवतरित होते हैं। आइए हरि को प्रेम से नमन भाव से जयकार लगाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री हरि की ये कथा जो सुनता धर ध्यान, हो जाता भव से सदा उसका तो कल्याण। लिखे मुनींद्र प्रेम जे प्रभु को शिष झुका, करो कृपा अब दास पर कृपा दो भरसाई। जय विष्णु भगवान कर नाम कल्याण। जय विष्णु भगवान कर नाम कल्याण। पालन करता श्री हरि की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। तुम्हें प्रणाम, प्रेम तने का नमन है कोटिश मुझको दो वरदान। सुंदर रूप मनोहर सूरत जो मन को मोहे, तन पर पीतांबर स्वामी गलि बैजंती सोहे। शंख चक्र हाथ में भगवन असुरन नाश करे, सुख देने वाला है प्रभु ये आप जो रूप धरे। जब जब संकट आया भक्त पे आप तो आए हैं, अपने भक्तों का भगवान सदा मान बढ़ाए हैं। कष्ट को हरने श्री हरि सदा दौड़े आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। अवतार धर्म की नैया डूब रही थी, मचा था हाहाकार। है ग्रीव दैत्य ने चारों वेदों को सागर छिपा दिया, ले अवतार हरि ने फिर वेदों को बचा लिया। फिर से हरि ने धर्म की भक्तों नींव तो डाली थी, दैत्य
से फिर बचा धरा को की रखवाली थी। दूजा है अवतार हरि का कच्छप बन आए, सागर मंथन में मंदराचल पर्वत को धाए। ऋषि दुर्वासा से देवता श्राप जो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार, प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार। पर्वत को हरि ने किया पीठ आसीन, सागर मंथन देव है करते हुए शक्ति से ही। आपकी कृपा से फिर तो भगवन मंथन पूर्ण हुआ, किए ग्रहण अमृत है देव साज संपन्न हुआ। तीजा है फिर रूप हरि का वराह का अवतार, हिरण्याक्ष के आतंक से तो मचा था हाहाकार। हिरण्याक्ष ने चुरा धरा सागर में छिपाई है, अपनी थूथन से प्रभु ने धरा बचाई है। अपने दांतों पर रख धरती बाहर लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार, प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार। दिया संहार सभी देव हर्षाए और करने लगे जयकार। चौथा है अवतार हरि का नरसिंह बन आए, रौद्र रूप में श्री हरि भक्तों के मन भाए। अपने भक्त प्रहलाद का मान बढ़ाया है, आधा नर और आधा सिंह का रूप बनाया है। हिरण्याकश्यप दैत्य का भक्तों किया है संहार, ऋषि मुनि सब जनों ने मिलके की है जय जयकार। हरि की महिमा बड़ी है अद्भुत वेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार, प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार। अवतार हरि का वामन बतलाया, राजा बलि को खुद पर भक्तों अहम था हो आया। हरा दिया था देवों को स्वर्ग था छीन लिया, मारा पीटा इंद्रादि को फिर था भगा दिया। वामन का धरि रूप हरि बलि के है महलाए, पग धरती के भक्तों तान फिर चाहे। भूमि का दान लेकर भगवन अति है मुस्काए, पहले पग में धरती दूजा कदम है बढ़ाए। दूजे पग में स्वर्ग को भगवन नाप दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप चतुर्भुज नारायण का
बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। फिर बलि ने अपने सिर रखवाया है, श्री हरि से पताल के राज को पाया है। छठवा रूप है परशुराम का, ब्राह्मण बन आए, दुष्ट क्षत्रियों के बल यश को नष्ट करवाए। जमदाग्नि थे पिता श्री मारे नुक कहलाई, पिता के कहने पर माता फिर मौत को थी पाई। शिव के तप से आपने एक तो फरशा पाया था, दुष्ट भूप से आपने भगवन धर्म बचाया था। परशुराम का रूप आवेश सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। त्रेता युग में राम का कहलाया, दशरथ नंदन रघुकुल रीति का परचम लहराया। बचपन में ही मारी ताड़ का सुबाहु संहार किया, तोड़ धनुष शिव जी का भक्तों सिया ये वरण किया। पाकर फिर वनवास राम वनवासी कहलाए, लंका पति रावण माँ सीता को वन से हर लाए। वानर सेना संग में लेकर किया रावण संहार, देवता और गंधर्वों ने भी की है जय जयकार। हनुमान जी श्री राम के भक्त कहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। कृष्ण कन्हैया कुंज गलियन में करता लीला यशोदा के छैया। बचपन में ही कई दानों मार गिराए हैं, काली दह से काली अनाग मार भगाए हैं। रास रचाई आपने भगवन महिमा परंपार, राधा ललिता और विशाखा सखियां कई हजार। मथुरा जाकर मामा कंस का किया है संहार, सारी सृष्टि आपकी भगवन कर रही जय जयकार। आप तो कृष्णा मोहन छलिया श्याम कहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रभु करते बेड़ा पार, हे नारायण सरकार। प्रभु करते बेड़ा पार, हे
नारायण सरकार। बताते हैं धर्म और जप तप को स्वामी आप कहते हैं, राजभोग को त्याग आपने ये बतलाया था, मोह माया से सब मिथ्या है मार्ग दिखाया था, दसवां रूप में आप हरि कलयुग में आएंगे, पाप मिटाने कल की रूप में धरा पे आएंगे, धर्म कर्म की बात न होगी बढ़ेगा अत्याचार, कलयुग के फिर अंत में श्री हरि लेंगे तो अवतार, आगे क्या होगा ऐसा ऋषि मुनि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं, प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार, प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार। सठ कला से युक्त रूप ये मन को मोहेगा, कलयुग मिट जाएगा भक्तों सतयुग आएगा, आपकी महिमा जो स्वामी मन से तो गाएगा, मोह माया को तज के प्राणी भव तर जाएगा, सुनो विनय है हरि हमारी हृदय वास करो, हम खल कामी है स्वामी मेरे संताप हरो, डीएस पालन नारायण की कथा सुनाई है, मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाई है, प्रेम तने श्री नारायण को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, रूप चतुर्भुज नारायण का वेद बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं, प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार, प्रभु करते बेड़ा पार हे नारायण सरकार। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का,
जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
के प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ठाकुर तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण 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 हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण विष्णु नारायण नारायण हरे हरे विष्णु नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण बद्री नारायण नारायण हरे हरे बद्री नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे भजो नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण 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 हरे हरे ब्रह्म नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे जपो नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा चंद्र नारायण नारायण चंद्र नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायणा